हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए पहले ही मिलते हैं आज की कहानी के हीरो से। तो ये जो देख लीजिए, ये है कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इसके पीछे की स्टोरी पे चलते हैं। तो ऐसा हुआ कि हस्बैंड जयपुर गए थे, तो वहाँ से वो उन्होंने प्याज की कचौड़ी खाए हैं। तो हम संडे को बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे कि प्याज की कचौड़ी बहुत टेस्टी होती है। तो बातें सुनते सुनते तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैं सोची कि ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में अगर जयपुर में प्याज की कचौड़ी मिलती होगी तो मुंबई में भी तो ज़रूर मिलती होगी। तो हमने फट से गूगल किया और गूगल करते ही हम चल पड़े, हमारे घर के पास में ही है पाम बीच रोड, नवी मुंबई, आप सभी जानते होंगे। वहाँ एक बीकानेर वाला है, तो वहाँ मुझे पता चला कि प्याज की कचौड़ी मिलती है। तो हम नेकी और पूछ तो हम पहुँच गए तब तक बीकानेर वाला में। और पहुँचते ही देखा इनका शॉप जो है बहुत ही वेल डेकोरेटेड है। आप देखिए, ये जस्ट पाम बीच रोड पर सतारा प्लाजा के पास में है। जो लोग नवी मुंबई में रहते हैं वो जानते होंगे। तो चलिए, और इनके पास ब्रेकफास्ट के भी ढेर सारे ऑप्शंस भी हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट में मज़ेदार, अगर आपको चाट कचौड़ी सैंडविच वगैरह पसंद है। और देखिए ये जो फूलों का डेकोरेशन इन्होंने किया था, ये मुझे बहुत ही पसंद है। बेसिकली अगर आप चाट लवर है, कचौड़ी लवर है, तो आप एक बार अगर मुंबई में है तो इस दुकान को विज़िट कीजिए। तो चलिए अब दुकान में एंट्री लिया जाए। बहुत ही वेल डेकोरेटेड है, वेल मेंटेन्ड है। और इनके जो स्वीट सेक्शन है वहाँ पर भी ढेर सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लड्डू वगैरह मिलते हैं। तो चलिए हम कुछ ऑर्डर करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ आपके बैठने के अरेंजमेंट्स भी हैं। आप अगर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबली यहाँ पर आके आप खाना वाना खा सकते हैं। तो मुझे तो रहा नहीं गया, मुझे तो जो लड्डू है मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी जो है स्वीट्स के सेक्शन में देखी, इनके जो लस्सी है, शेक्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो हमने खासकर आज प्याज की कचौड़ी के लिए यहाँ आई थी, तो उसे तो ऑर्डर करना ही था। तो आज हमने यहाँ प्याज की कचौड़ी और खस्ता कचौड़ी और जो चाट है उसे ट्राई किया। देखिए इनके जो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हैं, कचौड़ी विद आलू सब्जी, ये सब 20-30 रुपीज़ में ये ऑप्शंस है। तो लीजिए, आगे बात करते करते प्याज की कचौड़ी, तो हमने हस्बैंड से पूछा कि जयपुर में भी इसी टाइप का था क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, वहाँ पर साइज़ उसका बड़ा था। तो यहाँ उन्होंने टेस्ट किया, उन्हें जयपुर वाला ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम प्याज की कचौड़ी टेस्ट की। देखिए इसके अंदर में जो स्टफिंग है ये पूरा प्याज और मसाला वगैरह की है, तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा। लेकिन हस्बैंड का जो रिव्यू था उन्होंने बोला कि जयपुर वाला ज़्यादा खास था। अब देखिए, कहीं कहीं किसी किसी जगह की स्पेशलिटी होती है, किसी किसी जगह कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छा आता है। जैसे आप कोलकाता में सौंदेश वगैरह खा लीजिए तो ये स्पेशलिटी होती है। वैसे मुझे ठीक लगा। और इनके जो देखिए मेनू भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दी, इनके पास कोल्ड बेवरेजेस वगैरह भी है। फिर मैंने ऑर्डर किया राज कचौड़ी चाट, इसकी तो टेस्ट बहुत ही अच्छी थी, नो डाउट, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो हम और इनके जो चाय कॉफ़ी के बारे में भी पता कर रहे थे। इनके स्टाफ जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव और फ्रेंडली हैं। तो उस दिन हमने इतना ही ट्राई किया। वैसे इनके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नान, कुलचा, छोले वगैरह सभी हैं, आप आराम से लंच वगैरह भी कर सकते हैं। स्टोर बहुत ही बड़ा है और इनके पैक्ड आइटम्स और बहुत ढेर सारे हैं। मैंने घूम घूम कर सारे एक्सप्लोर किए। आप अगर गिफ्ट देना चाहते हैं, स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, सभी चीज़ें इनके पास बहुत अच्छे अच्छे पैकिंग्स में भी अवेलेबल हैं। तो आप अपने मन चाहे पैकिंग्स करा के भी किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिए। Thank you.
देखिए इनके पास कितने सुंदर सुंदर गिफ्ट बॉक्सेस हैं, और इस तरह से आप किसी को भी गिफ्ट पैक करके, गिफ्ट रैप करके भी दे सकते हैं उनके मनपसंद मिठाई और स्नैक्स। इनके स्टोर के और भी लोकेशंस हैं, नवी मुंबई में ये खारगर में भी हैं। तो देखिए मैं जो पाम बीच रोड में है उनका जो शॉप है वो हमने एक्सप्लोर कर लिया। तो अब हमारा खाना भी कंप्लीट और शॉप को एक्सप्लोर करना भी कंप्लीट। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ढेर सारी खुशियाँ बांटिए।